अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। तो नाजरीन, अभी रिसेंटली कुछ बहुत ही एक बुरा हादसा पेश आया, तो नासिर भाई के साथ उस बारे में बात करेंगे। फैसलाबाद में आया जी, एक बेचारा बाइक पे जा रहा था लड़का, उसकी गर्दन पे डोर फिरी है और मौके पे हो गई है। तो नासिर भाई से इसी बारे में बात करते हैं कि हर साल इस तरह होता है, कुछ दिनों के लिए ये पुलिस एक्टिव होती है और बाद में किधर जाती है। नासिर भाई इस बारे में बताएं। एक्चुअली यार भाई, प्रॉब्लम ये है कि ये जो काइट फ्लाइंग है ना, ये बहुत पुराना, आपको कि वो कहते हैं ना कि अगर आपने कुएं में से गंदा पानी और सफाई करनी है ना, तो वो कुत्ते को निकालना पड़ेगा बजाय कि आप पानी निकालते रहे। वो एक कुएं में एक कुत्ता गिर जाता है ना, अच्छा, तो पानी खराब हो जाता है। तो लोग कुत्ते को नहीं निकालते, पानी निकालते रहते हैं। ये फिलहाल ऐसे ही, तो ये भी ऐसे ही है बेसिकली कि ये वो कुत्ता नहीं निकालते और पानी निकाल रहे हैं। वालों को नहीं पकड़े हैं। बेसिकली काइट फ्लाइंग का बड़ा ही सिंपल सा प्रोसीजर है कि आप इस चीज पे पाबंदी लगा दें कि ना काइट बने, ना वो डोर बने, सही बात, ना उसको कोई सेल करे। वहां अगर आप कंट्रोल कर लेंगे ना, तो बेसिकली कोई बंदा ये काम नहीं करेगा, लेकिन ये ऐसा करते नहीं है। और उसमें भी अगर इसमें एक फ्लेक्सीबिलिटी और भी हो सकती है, अगर आप ये चाहें तो, वो फ्लेक्सीबिलिटी ये है कि ये लोगों को थोड़ा सा परमिट कर दें क्वालिटी ऑफ डोर पे। जो डोर है ना, वो एक ऐसी नॉर्मल धागा जो होता है ना, वो वाला इस्तेमाल करना। सिर्फ भाई कोई जगह खुली प्रोवाइड कर दें, किधर आके उड़ा लें। नहीं, वो बेसिकली वो हवा में होते हैं ना, तो वो जब धागे कट जाते हैं तो वो पूरा एरिया को कवर कर, वो ये थोड़ा कि वो फिक्स एरिया में ही ड्रॉप होंगे, तो फिर तो समझ आती है। अब रोड के ऊपर एक पूरा वो डोर गिर गई, तो वो जो भी बंदा वहां से गुजरेगा उसको हिट करेगी। तो बेसिकली इसका यही सलूशन है, या आप उसकी जो डोर की क्वालिटी है उस पे लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, या इस पे परमानेंट पाबंदी लगा दें। क्योंकि ये आप देखें, जिसका भाई बहन या बाप या जो भी रिलेशन था वो बंदे की, जिसकी डेथ हो गई है, तो उसका अब कौन जिम्मेवार है? उसका जिम्मेवार तो आपकी पूरी जो गवर्नेंस के लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो है ना। तो ये एक दफा नहीं, ये कई दफा हुआ है, हर साल होता है ऐसे। अच्छा, दूसरा ये है कि एक मैं और देख रहा हूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर वायर लगा दें आप, ये कर भाई आप इसका सोल्यूशन करें, सिर्फ इसके काउंटर जो चीजें हैं ना वो ना करें कि बाइक के ऊपर तार लगा दें। ये तो वो है, चलो इस साल तो आप अगर जिस साल आप उस पे क्रैकडाउन स्टार्ट करते हैं, उस साल आप कह लें कि चलो ये कर लिया। ये तो हर आप दूसरे तीसरे साल यही प्रॉब्लम होता है, और आप ये कहते हैं कि ये कर लो और उसको कंट्रोल नहीं करते। और ये पुलिस को 100% पता होता है ये सारे इसी, यार खुद सोचें, पीटीआई का ये झंडा नहीं निकलने ले दे रहे थे, सही कह रहे हैं, उनके झंडे की प्रोडक्शन इन्होंने बंद करवा दी और ये सारा कुछ हो गया, और ये काइट फ्लाइंग जो है ये नहीं बंद हो रही, ये का वो बन भी रहे हैं, वो डोरें भी बन रही हैं, और इनको सब पता है। क्योंकि ये कोई छुपी हुई चीज है नहीं, अगर किसी ने घर में ऐसी कोई फैक्ट्री लगा के बना के अचानक मार्केट में निकाल दी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारी जो है, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाईजान अगर इस पे क्रैकडाउन करना है तो आप बेस से जाएं। बेस मीन जो लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो बनाते हैं, जो मार्केट में लेके आते हैं, जो बेचते हैं, ना कि आप और टॉप से शुरू हो जाएं, जो लोग इस्तेमाल करें, एंड यूजर से क्रैकडाउन करने से बेहतर है आप बॉटम पे जाएं और इनके वो जो प्रोडक्शन के लोग हैं जो बनाते हैं, उनको पकड़ें और उनको सजाएं दें, तो फिर इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। तो यही था जी नाजरीन, काइट फ्लाइंग, आप भी खुद भी बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं। बिल्कुल, क्योंकि हम भी बचपन में करते हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते, ये अच्छी चीज नहीं, अच्छी है, नहीं। आपका थोड़ा सा फन किसी की जान ले सकता है, ठीक है ना? और लोगों के अपने हाथ कट जाते हैं यार, पूरे पूरे हाथ कटते हैं, हाथ कटते हैं, तो डोर इतनी तेज होती है, आप अंदाजा लगा लें, हाथ कटते हैं तो जिसकी गर्दन पे थोड़ी सी भी फिरेगी वो इतनी स्पीड में बाइक चला रहा है, वो तो गर्दन उतार के रख देगी। तो बस जी, बचें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।